नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने साल 2018 में भारत की सरजमी पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था, लेकिन उस मैच में वो सिर्फ 10 गेंद फेंक पाए थे और चोटिल होकर मुकाबले से बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की और फिर टीम में जगह बनाई। अब 2021 की शुरुआत में उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिला। उन्होंने पहले गेंद से कमाल दिखाया और उसके बाद बल्ले से भी दमदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में बतौर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट चटकाए। वहीं जब 6 विकेट गिरने के बाद वो बल्लेबाजी करने आए तो पहली गेंद पर उनके खिलाफ जबरदस्त अपील हुई। दूसरी गेंद बल्ले पर नहीं लगी, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर के खिलाफ जबरदस्त छक्का जड़ दिया और साबित कर दिया कि लंबे शॉट भी वो खेल सकते हैं। इसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज अपने शुरुआती रन भाग कर लेना चाहता है, लेकिन तूफानी अंदाज में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंस के खिलाफ छक्का लगाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। वहीं शार्दुल ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उनको अगर अच्छी गेंद मिली तो उन्होंने उस गेंद को बाउंड्री के पार भेजना ही जरूरी समझा। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के बीच 124 गेंदों पर 67 रनों की साझेदारी हो चुकी है। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 87 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 253 रन बना लिए हैं। वाशिंगटन सुंदर 82 गेंदों पर 38 रन, वहीं शार्दुल ठाकुर 62 गेंदों पर 33 रन बनाकर नाबाद हैं। इस दौरान ठाकुर ने 5 चौका और 1 छक्का लगाया है। इसके अलावा सुंदर ने भी 5 चौके इस दौरान लगाए हैं। दोनों ने 7वें विकेट के लिए ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बना दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।